बाबा बागेश्वर फल पर फूल बरसाइए लेकिन संभल कर। क्यों कह रहा हूं मैं, आज पूरे दिन बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फूल बरसाने का मामला चर्चा में रहा। बाबा की यात्रा को 6 दिन पूरे हो गए हैं, 3 दिन और बाकी हैं। हर दिन अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और हर दिन आप विस्तार से विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं। बस इसीलिए आज फिर बात बाबा बागेश्वर की यात्रा की करूंगा। चलिए शुरुआत करता हूं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में चर्चा मोबाइल फेंकने की रही। बाबा 6 दिन से पैदल चल रहे हैं, जहां से गुजरते हैं भक्त बाबा पर फूल बरसाते हैं। आज बाबा की यात्रा में एक भक्त ने फूल बरसाते हुए अपना फोन ही फेंक दिया और फोन से बाबा को थोड़ी सी हल्की सी चोट लग गई। जैसे ही बाबा पर मोबाइल फेंकने की खबर आई, भक्त परेशान हो गए। देश भर में हलचल मच गई, खबरें चलाई जाने लगी कि बाबा बागेश्वर पर हमला हुआ है। लेकिन आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज सबसे पहले सटीक तस्वीरों को आप लोगों तक पहुंचाया, उस वीडियो के साथ बिना छेड़छाड़ बाबा के पूरे बयान को सुनाया। बाबा ने इस घटना के तुरंत बाद कह दिया, हवा ना बनाए, यानी जबरदस्ती तिल का ताड़ ना बनाए। बहुत साधारण सी बात थी। आज जिस तस्वीर की दिन भर चर्चा रही, पहले उस पर आधारित एक रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद यात्रा से कुछ ऐसी तस्वीर भी आई है जो बड़ी मार्मिक है और बहुत कुछ संदेश दे रही है, वो भी आप विस्तार में उसमें देख पाएंगे। कुछ नहीं छूटेगा यात्रा से जुड़ी तस्वीर। लेकिन पहले जो तस्वीर चर्चा में रही उससे संबंधित एक रिपोर्ट देख लीजिए। गया है रस्ते किनारे, चलो स्थिति पूर्णतया ठीक है, किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था। मोबाइल तो कोई फेंका नहीं है, वो फूल जब फेंक रहे थे तो उनके हाथ से मोबाइल छूट गया। मोबाइल फेंक के मारा था, वो गलती से आया था, फूल के साथ उनका गिर गया था। किसी भी प्रकार के उसको हुआ ना बनाए और बहुत साधारण बात थी। अफवाह फैलाई जा रही, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। भक्त भी कह रहे हैं अफवाह फैलाई जा रही है। खुद बाबा ने अपील करते हुए कहा, बहुत साधारण सी बात थी लेकिन इन तस्वीरों की चर्चा रही इसलिए दिखा दिया। अब कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। दिन हो या रात, बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। हर दिन आपको विस्तार न्यूज पर विस्तार से कवरेज दिखाई दे रहा होगा। दिन में संजय दत्त और खली पहुंचे थे, कल आपको विस्तार से तस्वीरें भी दिखाई थी। रात में बाबा की पदयात्रा का पड़ाव झांसी के मऊरानी में था, तब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और कॉमेडियन वीआईपी पहुंचे थे। इस मौके पर विस्तार न्यूज भी वहीं मौजूद था। अक्षरा पहुंची तो बाबा की पदयात्रा का माहौल क्या था, कैसा था, थोड़ा संगीतमय था, ये भी तो आप देखना चाह रहे होंगे ना, तो देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। दुर्गेश पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, देखिए। पहल के लिए हम सब गुरुजी के साथ जितने भी कलाकार आ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से सहयोग दे रहे हैं, अपने अपने स्तर से अपना साथ दे रहे हैं, ये देखकर और ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दयो विधाता बुंदेलखंड में। अक्षरा सिंह पहुंची तो बाबा के भक्त झूमने लगे, थिरकने लगे। दिन भर पैदल चलना और फिर सोचिए रात में भी जोश हाई, क्योंकि हर दिन कहीं कवि पहुंच जा रहे हैं, कहीं कॉमेडियन पहुंच जा रहे हैं, कहीं इस तरह से अक्षरा सिंह पहुंच जा रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो इन सब से अलग है। आम लोगों की तस्वीर है, साधारण लोगों की तस्वीर है जो पैदल चल रहे हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू को एक परिवार मिला जो अपने बेटे को व्हील चेयर पर लेकर बाबा की यात्रा में शामिल हुआ। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया है ऐसी तस्वीर। इसके साथ ही काशी से आई एक ऐसी महिला मिली जिनके पांव चलते चलते छिल गए लेकिन पट्टी बांध कर चली जा रही है।
दुर्गेश को सागर से आई एक 8 साल की बच्ची मिली जो नंगे पांव बाबा की यात्रा में शामिल हो रही है। इसके साथ ही यात्रा में 80 साल के बुजुर्ग भी मिले। बाबा बागेश्वर की यात्रा की ये खास तस्वीरें हैं, इसलिए आपको इसे भी रिपोर्ट की शक्ल में देखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, देख लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करें। मैं जब कहानियां ढूंढने निकला तो मुझे इतनी कहानियां मिली कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं बता पाऊंगा। मैं इस वक्त एक अम्मा के पास हूं, इनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, लेकिन ये उसके बावजूद भी पिछले 6 दिनों से लगातार पैदल चल रही है। ये दुख रहे होंगे तुम्हारे लादवाद है बेटा, तुम नाती हो। स्थिति में भी चलने को तैयार है बिना किसी परेशानी या बिना किसी अव्यवस्था के चलते। कहाँ से आई हैं अम्मा? इंदौर से। दुनिया को जगाना है तो इसलिए अपन आए हैं। हमारे गुरु महाराज भी जगाते और बागेश्वर धाम अच्छा काम करे। मेरे मालिक बोलते जो अच्छा काम करे उसके साथ देना। आंखों की रोशनी चली गई थी और याददाश्त चली गई थी, तो हमने वहीं से मन्नत मांगी थी, हमारी सांसें भी चली जाएंगी तब भी उनका एहसान नहीं हम उतार पाएंगे। ये 8 साल की उम्र में इस पैदल पद यात्रा में नंगे पैर चल रही है। जिस शख्स के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये पूरी तरीके से दिव्यांग है, केवल चल सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, हाथ इनके नहीं हिल सकते। ये वो पर्ची है जिससे अगर कोई इनसे पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो इनका नाम है मनोरंजन कुमार। ये जिला बक्सर से आए हुए हैं, थाना नवानगर है, राज्य इनका बिहार है। इन तस्वीरों को आप कहां देख पाएंगे विस्तार से? जब कोई भी रिपोर्टर इस तरह से यात्रा के साथ चलता है वो हर एक पल अपने कैमरे में कैद कर लेता है, लेकिन मैं आपसे वादा किया हूं कि जब तक यात्रा चलेगी एक एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज में दिखाऊंगा। दिन भर दिखाता हूं और रात को उसका फुल एंड फाइनल करता हूं। अभी क्या माहौल है आपने देख लिया, दिन भर क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है हर दिन आपको दिखाता हूं ना। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा कहां पहुंच गई है, क्या कर रही है, बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं, इसके अलावा भीड़ क्या रुक गई है, रजाई गद्दा क्या बिछ गए हैं, खाना क्या बटने लगा है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। क्या स्थिति है बागेश्वर की यात्रा में ये देखना चाहते हैं। तो चलिए सीधे ले चलता हूं दुर्गेश के पास। दुर्गेश सैल्यूट है दोस्त, तुमको सैल्यूट है। बहुत शानदार तस्वीरें आप लगातार भेज रहे हैं और उतनी ही मेहनत कर रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए जितनी की पदयात्रा में पैदल चलने वाले आस्था के लिए कर रहे हैं, और आपने आस्था का प्रतीक विस्तार न्यूज को बना लिया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जहां खड़े हैं उस लोकेशन के बारे में बता दीजिए, जो दिखाना चाहते हैं वो केवल तस्वीरों को दिखाते हुए 1 से 2 मिनट में अपनी बात दिखा दीजिए पूरे पंडाल को, फिर उसके बाद अगले 1 मिनट में लोगों से बात कर लीजिएगा। दुर्गेश बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घुसकी जगह है जो मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर पर है। अब जो यात्रा अब तक पिछले 2 दिन से यूपी में चल रही थी वो अब कल सुबह की जो पहली किरण है उसके साथ वो मध्य प्रदेश में चलने लगेगी, अब निवाड़ी की ओर आगे बढ़ेगी, यानी कि ओरछा धाम अब बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर नहीं है। तस्वीरें दिखाऊंगा खुशकी जो जगह है, यहाँ पर एक खेत में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे, क्योंकि दिन भर की तकरीबन 17 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा के बाद अब ये सभी लोग अपनी थकान उतार रहे हैं, लेकिन थकान केवल शरीर से उतर रही है, चेहरे पर वही मुस्कान, वही मुस्कुराहट, वही जोश और वही ऊर्जा मेरे को यहाँ पर नजर आती है। जिस तरह से आप रोजाना मैं तस्वीर दिखाता हूँ, रोजाना मुझे सबसे हैरान करने वाली बात यही होती है कि इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर आए हुए हैं और निस्वार्थ भाव से समर्पण के साथ इस यात्रा को पूरा करने में जुटे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति मुझे यहां कहते ये कहते नहीं मिलता है कि वो थक गया है या उसे किसी तरह की परेशानी है या उसे किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस यात्रा में। तस्वीरें मैं कहानियां यानी ढूंढता हूं तो मुझे सही में वाकई मिलती है। आप कहां से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। किसके साथ आई हैं? मैं बच्चे के साथ आई हूँ। ये देखिए ये इनका नाती है आपका ना? हाँ जी मेरा नाती। क्या नाम बेटा आपका? यस पैदल चल रहा हूँ बेटा। हाँ। पूरे 6 दिन चले हो? हाँ। कितनी उम्र है? 10। 10 साल की है। देखिए ये 10 साल का लड़का है जो अपनी नानी के साथ पैदल चल रहा है जी। क्यों आई है यहाँ पर, क्या वजह? अपने राष्ट्र के लिए आए हैं। राष्ट्र के लिए आए? बिल्कुल, सनातन के लिए आए हैं। सनातन के लिए आए? हाँ जी। देखिए ये दिल्ली से आई है, बहुत दूर से आई है, और इस तरह की तस्वीरें मुझे यहाँ पर देखिए बाबा बागेश्वर धाम की जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर है ये यहाँ पर इस तरीके से अपने बैगों में लेकर लोग चलते हैं। कहाँ से आई है आप?
इलाहाबाद प्रयागराज प्रयागराज से आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर, कैसा अनुभव है आपका? हम गुरुजी के साथ चलने के लिए 9 दिन का व्रत रखा है। अरे वो जो जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। दुर्गेश, दुर्गेश मैं जो देख पा रहा हूँ, दुर्गेश जो मैं देख रहा हूँ, आपका थोड़ा वॉल्यूम डिले है मुझे पता है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, ये जो गद्दे हैं ये भी मुझे लगता है आयोजन समिति की तरफ से व्यवस्था किए गए हैं। ये जो गद्दे हैं, ये फोम के गद्दे हैं, मुझे लगता है ये सब साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। ये जहां पर रुकते हैं वही लोग व्यवस्था करते हैं क्या? ये गद्दों का एक बार ये बता दीजिए और फिर एक बार घूमते हुए पैदल चलते हुए पूरे पंडाल में तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ये व्यवस्था है, तकरीबन 25,000 से 30,000 लोगों की रोजाना ये व्यवस्था चलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जिक्र किया है, ये जो गद्दे हैं ये फोम के गद्दे हैं और रोजाना में 3 से 4 ट्रक ऐसे होते हैं जो इन गद्दों को लेकर यहाँ से रवाना होता है और फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं आपको जरा बताएंगे आप, क्या क्या मिली व्यवस्था है यहाँ पर? फुल व्यवस्था है, गद्दे से लेकर टेंट की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, खाना पूरा मिल रहा है, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, सब चीज की किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, चार्जर के लिए भी चार्जर की भी व्यवस्था है, फुल सुविधा है यहाँ पर। और सबसे तगड़ी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए सनातन के लिए। हम व्यवस्थाओं की बात करिए, देखिए पूरा पंडाल है आपको, और एक बार मैं जब यहाँ पर मौजूद था तो किसी व्यक्ति ने महाराज जी से ये कह दिया कि मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिल रही है महाराज जी पंडाल में, तो ये चार्जिंग की थोड़ा सा दूर है, मैं दिखाना चाहूंगा लेकिन आपको फोकस करके दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा पर्सन दिखाया वो सामने एक चार्जर पॉइंट लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद महाराज जी ने जो है अपने व्यवस्थाओं से कहा कि आप जो पंडाल है 20-20 फुट की दूरी पर ऐसे चार्जर पॉइंट, सुरक्षा ये इन्हीं तस्वीरों को दिखाने के लिए मैं जब आपके साथ जुड़ता हूं मुझे भी बहुत आनंद आता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप और एक एक चार्जर के पॉइंट को आप देख ले रहे हैं, आपके और आपके कैमरा पर्सन दोनों को बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्ट इसी को कहते हैं कि अगर आप वहां मौजूद नहीं है और आप ऐसी तस्वीरों को दिखा दें कि ऐसा लगने लगे कि आपकी मौजूदगी वहां है। शाबाश दुर्गेश, बहुत धन्यवाद आपका इतनी कड़ी मेहनत के लिए और इतनी शानदार तस्वीर दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।